उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों के अंतर से हरा दिया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले, जबकि दारा सिंह चौहान के पक्ष में 81,668 मतदाताओं ने मतदान किया। मतगणना के दौरान कुल 33 राउंड की गिनती हुई, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब 34 राउंड की गिनती होनी थी तो महज 33 राउंड में ही विजेता क्यों घोषित कर दिया गया और उस आखिरी राउंड के वोटों का क्या हुआ? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 34 राउंड की गिनती क्यों नहीं हुई। दरअसल 34वां राउंड आरक्षित राउंड कहा जाता है और इस राउंड की गिनती विशेष परिस्थिति में ही की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब आती है आरक्षित राउंड की गिनती की नौबत। दरअसल जब काउंटिंग के वक्त दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर चल रही होती है, मसलन दोनों के बीच कुछ ही वोटों का अंतर होता है, तब आरक्षित राउंड की नौबत आती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आरक्षित राउंड में होता क्या है। चलिए अब इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं। फर्ज कीजिए अगर किसी चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच महज 50 वोटों का अंतर है, ऐसे में जो उम्मीदवार पिछड़ रहा है वो आरक्षित राउंड की मांग कर सकता है। अब आरक्षित राउंड में ये होता है कि पिछड़ने वाला उम्मीदवार अगर किसी राउंड जैसे कि बोल दे कि 14वें राउंड में वोटों की गिनती गलत हुई, तो फिर ऐसे में उस संबंधित राउंड की फिर से गिनती होती है। साथ ही में आरक्षित राउंड में बैलेट पेपर के वोट भी फिर से गिने जाते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे का भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल है। इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक संकेत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। यूपी तक के लिए हर्षवर्धन की रिपोर्ट।